हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो अपन कार या बाइक इंपोर्ट करवाते हैं इंडियन मार्केट में फॉरेन मार्केट से, तो वो कितना टफ है आप लोगों को पता ही है, पर अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो है उसको थोड़ा सा इजी बनाया है इंडियंस के लिए। तो गाइज, अब सभी को पता चल गया है कि कार या बाइक जो है लोगों को जो है इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है चाम होने लग गया है। हर किसी को नई बाइक, हर किसी को नई कार, मतलब ये शौक जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे इंडियन मार्केट में। तो उसको देखते हुए जो है अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने एक थोड़ी सी जो स्ट्रिक्टनेस इसके अंदर कम करिए। आगे सारी डिटेल जो है मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कार या बाइक इंडियन मार्केट में पहले फॉरेन मार्केट से जो है मंगवाना चाहते थे तो उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस थी। वो जितनी भी कार्स या बाइक जो भी आप मंगवाना चाहते हैं उसको पर्टिकुलर व्हीकल को जो है इंडिया के सारे स्टैंडर्ड पे जो है खरा उतरना पड़ेगा और ऐसी सभी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए जो इंडियन स्टैंडर्ड को जो है कंप्लीट करे। तो गाइस वो चीज़ तो जो है कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ होना भी जरूरी है। अदरवाइज लोग ऐसी गाड़ी लेके आएंगे जो यहाँ पे जो है चलाने के लिए जो है प्रॉपर तरीके से बनी नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है ये है कि उसके लिए जो है आप अगर कोई कार परचेस कर रहे हैं फॉरेन मार्केट से और इंडिया में लेके आ रहे हैं तो उसकी प्राइस 28,70,000 रुपीस से ऊपर होनी चाहिए तो ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। छोटी कार जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, ये भी रूल्स था। और जो बाइक के लिए है उसमें 800 सीसी से ऊपर की अगर गाड़ी है तो ही आप उसको जो है इंपोर्ट कर सकते थे। मतलब 800 से बड़ा जो है इंजन होना चाहिए 800 सीसी से तो ही उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब जो है ये रूल्स हटा दिए गए, मतलब कोई भी बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो, 28,70,000 से कम की हो, 800 सीसी से इंजन छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं। बस बात ये है, शर्त ये है कि वो सभी इंडियन स्टैंडर्ड पे जो है पूरी तरीके से कंप्लीट बनी हुई होनी चाहिए और अगर कार है तो वो राइट स्टीयरिंग जो है उसके अंदर होनी चाहिए, सभी जो नॉर्म्स है BS4 जो चल रहा है उससे ऊपर होनी चाहिए या BS4 की होनी चाहिए और जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसको भी वो जो है कंपाइल करनी चाहिए। तो गाइज ये सबसे बड़ा चेंज किया गया इंडियन मार्केट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो गाइज आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग अब कोई बाइक या कार बाहर से लेने की सोच रहे हैं तो वो आपके लिए ईजी हो गया। जरूरी नहीं है आपको मतलब 800 सीसी से बड़ा इंजन चाहिए, 28,70,000 से कॉस्टली कार चाहिए। अब आप कोई सी भी गाड़ी जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं, पर इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा रहती है हर गाड़ी की, हर इंजन की, हर कंपनी की, हर सिटी की, हर मतलब हर सिटी से, इन द सेंस मतलब जहाँ से आप मंगवा रहे हैं, जैसे दुबई से मंगा रहे हैं, US, UK, जहाँ से भी मंगा रहे हैं, तो वो उसके लिए भी अलग अलग प्राइस रहती है कि कहाँ से गाड़ी आ रही है। तो वो सारी चीज़ें तो जो है आपको पर्टिकुलरली अपने अपने एक व्हीकल्स के लिए देखनी पड़ेगी क्योंकि वो हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग जो स्टैंडर्ड जो है नॉर्म्स बने हुए हैं। पर प्राइस का आप कोई लफड़ा नहीं है, आप जो है कम की मंगाए, ज़्यादा की मंगाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका शौक, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस बस ये इतनी छोटी सी न्यूज़ जो है मेरे को आपके साथ में शेयर करनी थी। आई होप अगर आपके काम में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जिन लोगों को जो है इंपोर्ट करवानी है गाड़ी या इंपोर्ट करवाने की वो सोच रहे हैं तो ये जो नए नॉर्म्स है वो उनके काम में आ सकते हैं। तो और गाइज अगर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही जो है मेरे सोशल मीडिया पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट diversity.com, वहाँ पर जाकर आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, टेक रिलेटेड कंटेंट रीड कर सकते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में। तो गाइज ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आपको रोज देखनी है तो जो सब्सक्राइब करा है आपने बटन, उसके पास में एक बेल बटन है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आप मिस नहीं करें। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ। Thank you.